नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं करंट न्यूज में और आपके साथ मैं हूं हिमांशी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर प्रेमी प्रेमिका की अजब कहानी सामने आई है। दरअसल भोपाल की जेके अस्पताल की नर्स कोरोना मरीजों को नॉर्मल इंजेक्शन लगाकर रेमडेसिविर चुरा लेती थी और अपने प्रेमी के जरिए उसे ब्लैक में बिकवाती थी। इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर जब कोरोना पुलिस ने एक युवक को दबोचा तो इस अजब प्रेम की गजब कहानी का सच सामने आया। पुलिस ने बताया कि गिरधर कॉम्प्लेक्स दानिशकुंज निवासी झलकन सिंह की प्रेमिका शालिनी जेके अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ थी। हालांकि आरोपी नर्स अभी फरार है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी प्रेमिका इंजेक्शन रेमडेसिविर की बजाय दूसरा नॉर्मल इंजेक्शन मरीज को लगा देती थी, उसे बचाकर वह उसे दे देती थी। ये इंजेक्शन वह 20 से 30 हज़ार रुपये में बेचता था। आरोपी ने बताया कि उसने जेके अस्पताल के ही डॉक्टर शुभम पटेरिया को भी 13 हज़ार रुपये में यह इंजेक्शन बेचा है। इसका पेमेंट उनको ऑनलाइन किया गया था। सूत्रों का कहना है कि जेके अस्पताल में एडमिट एक मरीज ने झलकन से इंजेक्शन का सौदा किया था। कीमत को लेकर खींचतान होती रही वो इसी बीच उसके मरीज की मौत हो गई। इस बात से नाराज परिजन ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी की सूचना गोपनीय तरीके से पुलिस अफसरों तक पहुंचाई। इसके बाद झलकन पर निगरानी रखी गई। उसके जेब में इंजेक्शन होने की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद तत्काल उसकी घेराबंदी हुई और पुलिस ने उसको धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवी की धारा 389, 269, 270 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मामले के अन्य आरोपी शालिनी वर्मा की तलाश की जा रही है। इस मामले में डीआईजी इरशाद अली ने कहा कि जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। शहर भर में इसके लिए धरपकड़ की जा रही है। ऐसे सभी आरोपियों पर रासुरा लगाई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहें करंट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।